लता मंगेशकर के इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद से ही पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि अब लता मंगेशकर जी हमारे साथ नहीं है। लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि नाइटिंगेल या ये कहें कि कोयल की आवाज़ इतनी सुरीली और इतनी मीठी होती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ लता जी की भी थी। लता मंगेशकर का जाना भारत के लिए एक और कोहिनूर के खोने के जैसा है, जिस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि भारत में 2 दिनों का राजकीय शोक रखा जाएगा, जो आज और कल है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। जिस तरह लता मंगेशकर इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, एक्टर से लेकर पॉलिटिशियंस तक, क्रिकेटर से लेकर आम आदमी तक, सभी लता मंगेशकर के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं।